या मलीर, जिला मलीर से, मलीर नदी तो इस पे चली लेकिन जिला मलीर से एक दाना भी उठाना नहीं है। ये मलीर एक्सप्रेस वे जो है, ये जो बन रहा है गैर कानूनी बन रहा है। मेमन गोट गडाब शाह लतीफ। देखो मैं आपको इतना ज़रूर बोलूं कि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मलीर से क्यों ये हाल हो रहा है। वो क्या कहते हैं माटेली माओ वाला सुलूक जो होता है, ये क्यों ऐसे होता है। यहाँ जो बाहर से लोग जो आते हैं वो भी मलीर के अंदर, कराची तो बहुत बड़ा है, नाजमाबाद में नहीं बैठ सकते हैं। क्यामारी है, दूसरी एरियाज है, सदर है, दूसरी एरियाज हैं, जैसे वो समंदरी पट्टी है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर आके बैठते हैं। तो देखो इनके आने से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। ये मलीर एक्सप्रेस वे जो है, ये जो बन रहा है गैरकानूनी बन रहा है। Enjoy being limitless with Onyx. Keep your number or get a golden number straight from the app. ये कानूनी नहीं है, ये कानूनी इन्होंने बनाया है, लेकिन इनमें जो भी मटेरियल इसके अंदर जाता है वो गैर कानूनी है। मैं स्पेशली मैं मलीर की रेती की मैं बात करता हूँ। ये जैसे मैंने होश संभाला है 57 से 52 से, जाहिर है 5-6 साल में इंसान को होश आता है, घर से बाहर निकलता है। मैं उस अरसे से मैं बात करता हूँ, उस अरसे से लेकर वो जो रेती बजरी यहाँ से उठाई जाती थी, लोग यहाँ के ज़मींदार रेजिस्ट करते थे, आजी दादरी माले, आजी चाकर वगैरह जो भी बुज़ुर्ग लोग थे, यहाँ के ज़मींदार थे, वो रेजिस्ट करते थे, लोगों को समझाते थे, मोटिवेट करते थे, खुदा के वास्ते खुदा रहा आप जो हैं और अपने हाथों से अपने एरिया को क्यों तबाह करते हैं, अपनी मलीर को क्यों तबाह करते हैं। तो ये जो था उस वक्त से ये मलीर के पीछे पड़े हैं। तो इसमें लोकल लोग भी शामिल हैं, लोकल लोग भी इसमें शामिल हैं जिसके हाथ से, वरना आउटसाइडर को क्या ताकत है वो जो है इस तरीके से वो रेती बजरी वो उठाए। तो यहाँ पर जैसे मलीर की तबाही स्टार्ट हुई, मलीर से रेती बजरी जैसे उठाता रहा तो मलीर की तबाही हो आ गई। तो मैंने तकरीबन 2012 में बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई, वाला जानता है तमाम बहुत बड़ी, हमारे गांव के पीछे भी उन्होंने रेती बजरी उठाना शुरू किया। यहाँ तक मुझे क्या, मैं अपनी दिल की बात में आप लोगों को बताऊं मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। तो मैं 2-3 बार में गया वहाँ पर जो है लोगों से लड़ने के लिए। यहाँ पर मुझे सियासी लोगों ने कहा कि वो भी तो मुखालफत तो थे इसके, लेकिन पता नहीं क्यों खामोश थे, ये मुझे समझ में नहीं। ये तो वही विवाद करेंगे वो क्यों खामोश थे, क्यों उनका। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहूँ कि उन्होंने कहा कि सिद्दीक आप लड़ो नहीं इनके साथ, ये ख़तरनाक माफिया हैं, आप जाएँ कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएँ। तो मैंने यही मैंने उनका कहना माना, डायरेक्ट में गया, हाई कोर्ट में गया 2012 में। अभी मैं फिर मलीर एक्सप्रेस वे पर आता हूँ। देखो हाई कोर्ट का आर्डर है रेती बजरी मलीर से या मलीर, ज़िला मलीर से, मलीर नदी तो इस पे चली लेकिन ज़िला मलीर से एक दाना भी उठाना नहीं है। यह पूरा ये जो मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, ये पूरे मलीर की रेती से बन रहा है, क्या ये आर्डर इस पर लागू नहीं होता है? ये इतने बड़े ताकतवर हैं, इनके इतने बड़े हाथ लंबे हैं, जो इनके हाईकोर्ट के आर्डरों को नहीं मान। मैं इनके पास गया तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये हमारे अपने आर्डर हैं, और यहाँ के हाईकोर्ट के सख्त आर्डर हैं 3 थानों के लिए, मेमनगोट गडाब
शाह लतीफ कि इनको हर महीने में हाई कोर्ट में रिपोर्ट देनी है, आया रेती बजरी चलती है या बंद है, हर महीने में इनको रिपोर्ट देनी है, लेकिन आज तक एक रिपोर्ट भी नहीं गई है। और यही मलिर एक्सप्रेसवे वाले हैं, ये रेती बजरी आधा यहाँ पर फेंकते आधा शहर में बेचते हैं, यह भी मेरी बात याद रखना। मलिर न्यूज़ से मैं इसी आपके यहाँ से ग्राउंड से जो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आधा यहाँ पर इस्तेमाल होती है और आधा मलिर में जो है वहाँ पर शहर में जाके बेचते हैं, यही लोग यहाँ के जो लोग